भारत माता की, भारत माता की। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं। फिर से दिवाली आई है और फिर से सरहद पर जवानों के संग पीएम मोदी ने दिवाली मनाई है। एक आवाज आनी चाहिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी चाहे जहां भी रहें, दिवाली के दिन उनके जवानों से अपॉइंटमेंट फिक्स रहती है। इस बार पीएम मोदी नौशेरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे। जरा प्रधानमंत्री का अंदाज देखिए, बिल्कुल एक सैनिक की तरह। जरा प्रधानमंत्री का लिबास देखिए, बिल्कुल एक फौजी की तरह। जरा प्रधानमंत्री का रौब देखिए, बिल्कुल एक अजय जवान की तरह। चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। देश के सैनिक परिवार से दूर सरहद की रक्षा में तैनात होकर देश की दिवाली को शुभ बनाते हैं। देश का प्रधानमंत्री खुद उनके बीच जाकर उनका मुंह मीठा करवाता है, क्योंकि सैनिक है तो देश की सुरक्षा है, समृद्धि है, खुशियां हैं। आज मेरे सामने देश के जो वीर है, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत मां की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, किसी किसी को ही मिलता है, जो सौभाग्य आपको मिला है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को, मैं देख रहा हूं आप संकल्पों से भरे हुए हैं, और यही आपके संकल्प, यही आपकी पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं। पीएम मोदी इस बार दिवाली मनाने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे, जहां नौशेरा सेक्टर में उन्होंने न सिर्फ सैनिकों का हौसला बढ़ाया बल्कि अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाकर ये भी जताया कि वो उनके अपने हैं, उन्हें अपना परिवार मानते हैं, उनके बीच आकर दिवाली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान पीएम मोदी ने वीर शहीदों को नमन किया, पूर्व सैनिकों के साथ दिवाली मिलन किया। पीएम मोदी ने दिवाली मनाने के लिए राजौरी के इंटरनेशनल बॉर्डर को ही इसलिए चुना क्योंकि सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी के इलाकों में पिछले 3 हफ्तों में आतंकी हिंसा में तेजी आई है और सेना के 11 जवान शहीद हुए हैं। सेना पिछले 24 दिनों से पुंछ राजौरी क्षेत्र में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक में लगी हुई है और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले सप्ताह इसी नौशेरा सेक्टर में हुए विस्फोट में एक अधिकारी सहित 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। पीएम मोदी का आना यहां तैनात सैनिकों के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद
यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। दिवाली के मौके पर अपने पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का जोश हाई था। जितने वक्त पीएम मोदी वहां पर जवानों के बीच रहे, भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती है, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से, इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सत्ता ग्रहण के बाद से हर साल प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाते हैं। कभी एलओसी पर, जहां हमेशा पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का खतरा रहता है, कभी बर्फ से ढके भारत चीन बॉर्डर पर, तो कभी सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पहुंचकर दिवाली के दिन देश के प्रधानमंत्री का सैनिकों के साथ मौजूद होना, ये सिर्फ दिवाली मनाने की बात नहीं है, ये बात है सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की, जिनके लिए देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। मैं फिर एक बार आप सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।